रघुवरपुरा वार्ड से पार्षद श्याम सुंदर अग्रवाल को गांधीनगर मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सम्मानित किया। भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई की मदद से सादरा साउथ जोन के दो अधिकारियों को गिरफ्तार करने पर रघुवरपुरा वार्ड के निगम पार्षद श्याम सुंदर अग्रवाल का गांधीनगर मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सम्मानित किया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने श्याम सुंदर अग्रवाल को फूलमाला पहनाकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि भ्रष्टाचार को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है उन्हें जरूर हम गिरफ्तार कराएंगे। जनता को आगे आने की जरूरत है। इस अवसर पर मार्केट के एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में नगर निगम के अधिकारी करते हैं श्याम सुंदर अग्रवाल की मदद से निगम के भ्रष्टाचार कुछ हद तक अंकुश लगेगा। एक और थे जो डैम्स में नियुक्त थे, लेकिन वो जहाँ पे हमारा माल जमा होता है जनरल ब्रांच में, वहाँ पे रात को भी घूमते पाए गए और शाम को माल बेचते पाए गए। उसकी भी वीडियो मैंने बना के उनको नेडू चेजी को भेजी, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की। एक पहले सस्पेंड हुए थे लव कुमार जी, वो सस्पेंड होने के दो दिन बहाल हो गए, बल्कि उनको प्रमोशन दे दिया गया। जिस इंस्पेक्टर को मैंने माल बेचते पकड़ा गया था उसको उसी स्टोर का इंचार्ज बना दिया गया। ऐसा देख के लगा कि बिल्कुल ये निरंकुश हो गए हैं, इनको कहने का फ़ायदा नहीं है। मैंने जो एसी अलका जी को भी शिकायत की, मैंने कमिश्नर को भी शिकायत की है, लिखित में शिकायतें की हुई हैं, लेकिन कोई भी एक्शन लेने को किसी पर तैयार नहीं था। मुझे और मैंने एक बार कहा भी था कमिश्नर महोदया को, महोदया आपके टाइम में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है और आप भ्रष्टाचार की जननी हैं, आप इनकी मुखिया हैं, लेकिन मुझे लगा कि कोई काम नहीं होने वाला। मैंने अपने जो फैक्ट्री डिपार्टमेंट यहाँ पे घरेलू उद्योग चलाते हैं, मैंने उनको सबको कहा यदि कोई आपसे पैसे मांगे तो बताएं। एक विनोद कुमार गुप्ता जी मेरे सामने आए, उन्होंने कहा जी भाई पांच सहयोगी हैं मेरे रिश्तेदार जो अपने घरेलू उद्योग चलाते हैं, लेकिन उनसे 1,00,000 में मांगा जा रहा है और 60,000 में मामला तय हुआ है, मैं आप मेरे साथ CBI में चलिए। उनको CBI में लेके गए और लगातार 3 दिन की मेहनत के बाद उस व्यक्ति को, एक रॉय को, उसके अलावा AO रावत को पकड़ा गया। हमारी मजबूरी बन गई थी, हम भी नहीं चाहते CBI में जाया जाए। जी आप 14 साल से सत्ता में BJP, इसके बावजूद निगम के भ्रष्टाचार को कम नहीं किया जा सका, और आपके जो मेयर हैं, आपके जो अंदर जो डिपार्टमेंट है वो सब क्या कर रही है? BJP के जो मेयर है वो क्या कर रही है जो आपको CBI तक जाना? मैं आपको बताऊँ, देखिए लोग ना शिकायत नहीं करते, शिकायत पे एक्शन होता है। नहीं आपने तो इतनी सारी शिकायत की, मैंने मेयर ने क्या किया? मैं देखिए मेरी पार्टी के मेयर बड़े सम्मानित हैं, उन्होंने भी संज्ञान लिया, लेकिन वाक्य में नहीं संज्ञान लिया, वो आपकी बात ठीक है। मैंने बोला, मैंने अभी आपको शायद आपने सुना भी होगा, मैं अपने वार्ड की बात करता हूँ, मैंने 21 लोगों के 17 लाख से ऊपर वापसी करवाई, लेकिन जब कुछ शिकायत किया तभी तो एक्शन होगा ना। देखिए जानते हम सब लोग हैं, लेकिन बोलना कम चाहते हैं, व्यापारी अपने व्यापार के एक लिहाज से डरता है, लेकिन आदरणीय हमारे श्याम सुंदर जी ने हम लोगों को राह दिखाई है कि हम लोग अगर हिम्मत करेंगे तो न केवल भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी बल्कि हमारे कार्य भी सुगमता से होंगे। हम लोगों को निगम को अपना परिवार समझते हुए उसके टैक्सेस को सही समय पर चुकाने की जिम्मेदारी हम सब लेते रहे। आज भी हमने ये संकल्प लिया है कि मार्केट से निगम का टैक्स अधिकतम हो, हम सब जेन्युइनली काम करें, और फिर कोई तकलीफ देता है तो आदरणीय श्याम जी जैसे सजग प्रहरी हमारे बीच मौजूद हैं जो हम लोगों को मिल करके इन भ्रष्टाचार से सबसे मुक्ति दिलाएंगे। परेशान तो बहुत किया जी पीछे, लेकिन हमने कई बार शिकायत भी पहले की है, मैंने श्याम जी से भी पहले शिकायत किया कि इस तरह लाइसेंस के कई ऑफिसर इंस्पेक्टर हमारी मार्केट में आके तंग करते हैं। श्याम जी ने इसको आगे लिया और इन्होंने ही हमारे इस काम को, ये लाइसेंस बढ़ने लगे थे तब हमारे श्याम जी ने हमारे आगे किया था कि भाई इसको लेकर। आपको लगता है कि इस तरीके के अधिकार से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पे रोक लगेगी और आप लोगों को राहत मिलेगी? भाई साहब कहाँ तक रोक लगेगी, इस तरह तो रोक बहुत मुश्किल है। एक दो आदमी पकड़ने जाने से भ्रष्टाचार खत्म थोड़ा हो जाएगा, सारा भ्रष्टाचार भरा पड़ा सारे MCD में। जो हमारे निगम पार्षद श्याम भाई की तरफ से जो हमारी मार्केट को और छोटे छोटे घरेलू उद्योग का सहयोग मिला है, एक बहुत सराहनीय है, क्योंकि हमारा जो व्यापार है घरेलू उद्योग का पूरे व्यापार है रेडीमेड गारमेंट का, और इसके लिए जो भी घर हैं घरेलू उद्योग में सारे छोटे घरेलू उद्योग में सबसे बड़ी परेशानी ये है, जो घरेलू उद्योग में एक लॉ बनाया हुआ है कि आधे आधा काम करने के लिए, वो संभवतः बहुत मुश्किल हो रहा है। उसी का फ़ायदा उठाते हैं जो भी इंस्पेक्टर सर्वे पे आता है, उसी चीज़ का ज़्यादा फायदा उठा के हम छोटे घरेलू उद्योग वालों को ब्लैकमेल करता है। क्या बोले?